तो मैं आपको शर्त के तौर पर बोल सकता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स एम्पायर के बारे में कि भाई टोकन से लेकर किस तरीके से मैं बैंक में विड्रॉल करने है, पूरा प्रोसेस आपको बता दूंगा। इसकी लिस्टिंग, एयर ड्रॉप, अब इनका प्लान क्या है, सारी चीजें आपको बता दूंगा। मैं भी आपका भाई हूं भाई, आपकी सारी प्रॉब्लम समझता हूं, तो मैंने सोचा कि भाई एक वीडियो में सारे टॉपिक कवर कर देता हूं और ये वीडियो भाई एवर ग्रीन होने वाली है। तो एक्स एम्पायर का एक न्यू अपडेट आया जिसमें वो साफ साफ बोल रही है वी आर वर्किंग हार्ड ऑन द लिस्टिंग। अब हम सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं लिस्टिंग पे कि हम इसकी लिस्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं। इन्होंने काफी चीजों लेकर बात करी, लेकिन सबसे ज्यादा मेन चीज जिससे है वो ये इसी बारे में बोल रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं लिस्टिंग पे, हम इसकी लिस्टिंग कब करें और किस तरीके से हम करें ताकि भाई लोगों को एक ज्यादा एयरड्रॉप, बड़ा एयरड्रॉप मिल जाए, क्योंकि हैमस्टर कॉम्बैट से काफी लोग नाराज हैं, ठीक है ना। बट यहां पर हैमस्टर कॉम्बैट वाली चीज इन्होंने एक सेम कर दी, चीटिंग इज बैड। यहां पर इन्होंने साफ साफ बोला है कि भाई हम एयरड्रॉप केवल उन्हें देंगे जो सही तरीके से खेल रहे थे, जो सही तरीके से माइनिंग कर रहे थे, जो बेमानी तरीके से कर रहे थे हम उनको एड्रॉप नहीं देने के हैं। और हम यही चाहते हैं कि भाई जो बेमानी तरीके से कर रहे थे हम उनको थोड़ा साइड कर दें ताकि भाई जो ईमानदार लोग हैं वो कुछ बचे और उनके पास ज्यादा अमाउंट हो जाए। जाहिर सी बात है जितनी ज्यादा पब्लिक होगी उतनी आपके पास कम पैसे आएंगे, पब्लिक कम होगी तो आपके पास पैसे ज्यादा आएंगे, ठीक है ना। बट मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि भाई एक्स एम्पायर में आपको गेम्स वगैरह आप खेलते नहीं हो तो भाई चीटिंग रखी क्या है, मतलब भाई चीटिंग हम करेंगे किस तरीके से। यहाँ पर माइनिंग में तो चीटिंग होती नहीं है और यहाँ पर भाई प्रॉफिट पर हार बढ़ाने में मतलब सिंपल से इनके यही फंडे थे, तो इसमें चीटिंग हम कर क्या सकते हैं। अब पता नहीं भाई इनकी तरफ से क्या चीज आ जाए कि यार ये चीज अनफेयर थी और आपने करा तो आपको एयरड्रॉप नहीं मिलने का है। कुछ भी आएगा तो मैं आपको बताई दूंगा, लेकिन हम बात करते हैं इनका एयरड्रॉप और लिस्टिंग एक्चुअल में आने कब वाली है। तो इसके ऊपर इन्होंने साफ साफ बोल दिया था, यहाँ पर 3-4 दिन पहले ही बोल दिया था कि हम एयरड्रॉप जो अपना लाने वाले हैं वो सेकंड हाफ अक्टूबर में लाने वाले हैं। आई थिंक 15-16 अक्टूबर को इनका एयरड्रॉप आ जाएगा और इनकी लिस्टिंग भी तभी आ जाएगी। इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि हम अपनी लिस्टिंग वगैरह हाफ अक्टूबर को लाने वाले हैं, मतलब अक्टूबर के बीच में लाने वाले हैं। तो भाई 14-15-16 अक्टूबर को शायद हमको इनकी लिस्टिंग और एयरड्रॉप देने को मिल जाएगा, गारंटेड है यहाँ पर। और इन्होंने भी बोला था कि भाई जो एग्जैक्ट डेट होगी वो हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक इनको 3-4 दिन बाद यहाँ पर ये अपनी जो लिस्टिंग की डेट है वो बिल्कुल कंफर्म कर देंगे कि भाई इस तारीख को हम लिस्टिंग लाने वाले हैं, जैसे कैट ने कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने एक चीज और बोली थी कि हम सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं कि आपको टोकन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है ना। जो आप हम आपका सारा रिकॉर्ड लेके चले गए, इनका स्नैपशॉट आ गया था, हम आपका सारा रिकॉर्ड लेके चले गए, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर इस चीज पर काम करें कि अपना आपके जो टोकन है वो हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, आपने कितनी मेहनत करी है और हम आपको एक फेयर तरीके से किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टोकन, ताकि आप भाई एक खुश रहो, ठीक है ना। क्योंकि भाई क्रिप्टो करेंसी में जितने प्रोजेक्ट है सबको पता चल गया है कि भाई जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी है, कम्युनिटी बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी है, खासकर हैमस्टर कॉम्बैट से। तो हम वो गलती ना करें, ठीक है ना। अब सबसे ज्यादा मेन चीज आती है कि टोकन तो आपके पास आ गए, सपोज करो कि भाई इन्होंने टोकन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और आपके पास टोकन आ गए तो आप विड्रॉल किस तरीके से कर सकते हो। देखो यहां पर अगर इनकी एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं तो आप लोग देख सकते हो भाई इन्होंने अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दी है कि भाई आप जो हम लिस्टिंग करेंगे वो बाइनांस पर करेंगे, बाइनांस पर लिस्ट होंगे या फिर बाइबिट पर लिस्ट होंगे या फिर बिटगेट पर होंगे, ओकेएक्स पर होंगे। भाई इन्होंने किसी के बारे में बोला ही नहीं है कि आप अपना वॉलेट कनेक्ट करके यहाँ पर रखो, ठीक है। क्योंकि भाई लिस्टिंग से पहले यहाँ पर काफी जो एक दो हफ्ते पहले यहाँ पर प्रोजेक्ट को बोलना पड़ता है, लेकिन भाई इन्होंने भाई इनकी लिस्टिंग बहुत ज्यादा नजदीक आने वाली है लेकिन इन्होंने किसी चीज के ऊपर बात नहीं करी। तो आई थिंक ऐसा हो सकता है कि भाई ये ऑफ चैन पर लिस्ट होंगे ही नहीं, ये केवल ऑन चैन पर लिस्ट होंगे। ऑन चैन वो होता है कि भाई टेलीग्राम का वॉलेट हो गया या फिर टोन पर हो गया, ये आपका ऑन चैन होता है, और ऑफ चैन वो होता है जैसे बाइनेंस हो गया, बाइबिट हो गया, बिटगेट हो गया। तो आई थिंक ये ऑफ चैन पर लिस्ट होंगे ही नहीं है, ये डायरेक्ट भाई आपके टोन कीपर पे आपको टोकन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टोन कीपर पे किस तरीके से करेंगे, देखो अगर हम 3 डॉट पर जाते हैं तो वहां पर हम एड्रो वाले सेक्शन पे जाते हैं, तो यहां पर इन्होंने केवल ये ऑप्शन दे रखा है कि आप अपना वॉलेट कनेक्ट करके रखो, आपकी मर्जी है कि आप टेलीग्राम से कर सकते हो या फिर टोन कीपर से कर सकते हो, ठीक है ना। और कोई भी यहां पर इन्होंने ऑप्शन दिए नहीं, बाइबिट, बाइनेंस वगैरह, ऑफ चैन इन्होंने कोई भी ऑप्शन नहीं दिया। तो आई थिंक ये केवल टोन कीपर पे या फिर टेलीग्राम पे आपको टोकन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखो यहां पर ये प्रोसेस जान लो, क्योंकि भाई काफी लोगों को ना भाई ये तरीका तो पता चल गया कि हम बाइनांस से किस तरीके से विड्रॉल कर सकते हैं, बाइबिट से किस तरीके से विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन काफी लोगों को ये नहीं पता कि हम टोन कीपर से किस तरीके से विड्रॉल कर सकते हैं। मैं आपको रफली बता देता हूं, जैसे ही टोकन डिस्ट्रीब्यूट होंगे तब तो मैं आपको बारीकी से करके बता दूंगा, ठीक है ना। तो सपोज करो कि आपने टोन कीपर अपना वॉलेट कनेक्ट करके रख रखा था और इनका यहां पर जो टोकन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, आपके टोन कीपर पे आ गए, तो आपको किस तरीके से शो होंगे। जैसे आप अपना टोन कीपर यहां पर ओपन करोगे तो यहां पर नीचे की तरफ जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे डॉग्स वगैरह होगा यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको इस तरीके से एक्स एम्पायर के आगे टोकन दिखाई दे जाएंगे आपके टोन कीपर पे, ठीक है ना। अभी इन्होंने टोकन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे तो इसलिए शो नहीं हो रहा है। मैं आपको डॉग्स का एग्जांपल लेके चलता हूं, जो जो मैं चीजें डॉग्स में करूंगा वही आपको एक्स एम्पायर पे करनी है, ठीक है ना। यहां पर मैं डॉग्स पर क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर नीचे आपके सामने ऊपर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, सेंड का, रिसीव का और स्वैप अप का, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको बारीकी से एक्सप्लेन करता हूँ। आपको ये तो पता है कि भाई हमको बाइनांस से किस तरीके से विड्रॉल करने हैं, अगर आपके एक्स एम्पायर के टोकन जो है वो बाइनांस पे आ जाते तो आप विड्रॉल कर लेते इजी तरीके से। मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है ना। आपको टोन कीपर का नहीं पता तो आपको देखो टोन कीपर में किस तरीके से करना है, आपको बाइनांस का पता है ना, तो एक काम करो जो आपके एक्स एम्पायर के जो टोकन है वो टोन कीपर पे आएंगे, आप उन टोकन को बाइनांस पर ट्रांसफर कर दो। अब बाइनांस पर किस तरीके से करना है देखो, मेरी बात सुनो। देखो
देखो जैसे आप एक्स एम्पायर पे क्लिक कर लोगे तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, सेंड का, रिसीव का और सेपअप का, ठीक है ना। तो आपको सेंड करना है, जैसे आप सेंड पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा एड्रेस और नेम और नीचे कमेंट, ठीक है ना। तो आपको एड्रेस और नेम और कमेंट लेने हैं, तो आप चले जाना अपने बाइनेंस वाले अकाउंट पर, ठीक है ना। तो आपको टोकन बाइनेंस में ट्रांसफर करना है, तो एक काम करो बाइनेंस का एड्रेस यहाँ पर डाल दो, आपके जो टोकन है वो ऑलरेडी यहाँ पर बाइनेंस में ट्रांसफर हो जाएंगे। किस तरीके से, देखो यहाँ पर बाइनेंस को ओपन करना, और बाइनेंस को जैसे आप ओपन करोगे तो आपको वॉलेट वाले सेक्शन पर जाना है, और वॉलेट वाले सेक्शन पर जाने के बाद आपको डिपॉजिट पर क्लिक करना है। अब जैसे आप डिपॉजिट पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर ऊपर सर्च में मारता हूँ बाई डॉक्स, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको डॉक्स से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको सर्च मारना होगा यहाँ पर एक्स एम्पायर, ठीक है ना। तो आपको अगर यहाँ पर आ चुका, ठीक है ना, क्योंकि हम इसके टोकन जो है वो बाइनेंस पर ले आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम डॉक्स को सर्च मारते हैं, और यहाँ पर जैसे हमने डॉक्स को सर्च मारा तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एड्रेस आ चुका है, ये आपके सामने आ चुका है कि मतलब डिपॉजिट एड्रेस हो गया और नीचे मेमो एड्रेस हो गया। इन दोनों को कॉपी कर लेना और अपने टोन कीपर पे जाना, और टोन कीपर पे जाने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है ना। अब जैसे आप एड्रेस डाल दोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा कि आपके जो यहाँ पर एक्स एम्पायर के जो टोकन वगैरह होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मेरे डॉक्स कर हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैं मैक्स पर क्लिक करता हूँ, और मैक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर टोकन दिखाई देगा और नीचे यूएसडीटी दिखाई देगा, ठीक है ना। मेरी 5 USDT कुछ समथिंग इतनी बन रही है, तो ये यूएसडीटी जो है वो टोकन जो है वो मेरे बाइनेंस पर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे, तो मेरे टोन कीपर का जो काम है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, और उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर जब आप कुछ टाइम बाद यहाँ पर अपना बाइनेंस चेक करोगे तो यहाँ पर बाइनेंस चेक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा कि आपके पास यूएसडीटी वगैरह आ गए, ठीक है ना। तो जैसे आप वॉलेट पर क्लिक करोगे, फंडिंग पर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी कि आपके पास यूएसडीटी आ गई। अब यूएसडीटी को भाई हमको उसमें किस तरीके से विड्रॉल करना है बैंक में, तो वो तो आपको प्रोसेस पता ही है, वैसे बताता हूँ। चलो आपके पास यूएसडीटी आ गई, अब यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सेंड मनी पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर इसको मैं कट कर देता हूँ, और सेंड कैश पर आपको क्लिक करना है, और सेंड कैश पर आपको क्लिक करने के बाद लो फीस पर क्लिक करने के बाद ट्राई नाउ पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। हम इसको नेक्स्ट करते हैं, ओके करते हैं, और यहाँ पर आपके सामने आ चुके हैं यू पे और एक्सटेम, यहाँ पर यूएसडीटी आ चुके हैं, ठीक है ना। सपोज करो कि मुझे 10 USDT मिली है, तो यहाँ पर मैं 10 USDT लिख दूंगा, और 10 USDT लिखने के बाद ऊपर मेरे पास अमाउंट आ गई कि मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, ठीक है ना, इतने पैसे मिल रहे हैं मुझे। जैसे मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, तो जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने जो मेरे पास बैंक डिटेल्स वगैरह वो पूछ जाएंगे, उसके बाद मेरे बैंक पर पैसे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक्स एम्पायर के टोकन जो है वो भाई टोन कीपर पे आपके पास आ गए, तो इस तरीके से आप बाइनेंस पे करके विड्रॉल कर सकते हो। एक प्रोसेस है, मैंने जो आपको रफली बताया, अगर आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल डॉग्स के या फिर हैमस्टर कॉम्बैट के जो मैं करके दिखाऊं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कर देना, ताकि आपको बारीकी समझ में आ जाए। मैंने आपको एक रफली आइडिया दिया है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर भाई बहुत बढ़िया चैनल है, पूरी क्रिप्टो की नॉलेज है, तो भाई आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट कर दिया करो, मैं उसके ऊपर वीडियोस बना दूंगा, ठीक है ना। तो बस ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना, आई होप अच्छी लगी होगी। तो भाई कमेंट पढ़ता हूं मैं, तो भाई अच्छा कोई प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, ठीक है ना। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के साथ मेरे प्यार के, और फिर मिलेंगे चलते चलते।